नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। अडानी ग्रुप के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का एक मामला सामने आया है, जहां रामगढ़ क्षेत्र के किसानों से उनके फल और फसल खरीदने के नाम पर फर्जी अडानी ग्रुप के नाम से कंपनी संचालकों ने किसानों से ठगी की। ठगी करने वालों की पहचान रामनगर निवासी मनोज नैनवाल और जसराज चौधरी के रूप में हुई, जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते थे और फिर लोगों से ठगी करते थे। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो अन्य लोग भी सामने आए जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आपको बता दें कि फर्जी अडानी ग्रुप के नाम से कंपनी चला रहे संचालकों ने करीब 150 से अधिक किसानों का 50 लाख का आड़ू सहित अन्य फल उत्पादन खरीद कर किसानों को चूना लगाने का काम किया है। बता दें कि उन जालसाजों ने धारी में कार्यालय खोलकर गांव के 15 युवकों को कार्यालय में काम भी दिया। इस दौरान किसान अपने आड़ू सहित अन्य फलों को कंपनी को देना शुरू कर दिया। यहां तक कि बीमा के नाम पर जालसाजों ने हर किसान से 540 रुपए जमा भी कराए थे। किसानों का कहना है कि करीब 150 किसान कंपनी से जुड़े थे, जिनके साथ लाखों की ठगी की गई है। किसानों ने एसएसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि अडानी ग्रुप का नाम लेकर दो लोगों ने धारी में अपना ऑफिस खोलकर किसानों को कहा कि वह किसानों के फल और फसल को खरीद कर बाहर ले जाएंगे और उनको इसका अच्छा दाम दिया जाएगा। अब पुलिस ने इस मामले को हल्द्वानी से भवाली कोतवाली ट्रांसफर कर दिया है, जिससे कि भवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई कर सके। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।